खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस एनी अपडेट। देखिए, राजस्थान में सियासी भूचाल चल रहा है, ऐसे में एक एक विधायक को जोड़कर रखना गहलोत के लिए काफी जरूरी होता जा रहा है। इसी मुद्दे को लेकर हमारे संवाददाता अरविंद ने भारतीय ट्राइबल पार्टी के विधायक राजकुमार रोत से खास बातचीत की है, सुनिए। राजस्थान में सियासी भूचाल चल रहा है और एक और जहां गहलोत अपनी जो सरकार है, गहलोत अपने विधायकों को लेकर फेयरमाउंट होटल में है, तो वहीं दूसरी ओर दिल्ली के अंदर सचिन पायलट के जो समर्थक है वो वहां पर मौजूद हैं। हालांकि नंबर्स की बात करें तो ये कहा जा रहा है कि गहलोत के पास पूरे नंबर्स हैं, लेकिन विधायक दावा कर रहे हैं, कुछ अन्य विधायकों ने जो सचिन पायलट के समर्थन में, उनका दावा है कि 30 से ज़्यादा जो विधायक है वो उनके समर्थन में। और इस वक्त हमारे साथ है भारतीय ट्राइबल पार्टी से विधायक राजकुमार जी। राजकुमार जी, आप किस तरह का राज्यसभा चुनाव में आपने समर्थन दिया था कांग्रेस पार्टी को, अब क्या कुछ रणनीति आप लोगों की रहने वाली है? देखो, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि हम जो भारतीय ट्राइबल पार्टी से दो विधायक चुन के आते हैं, तो हम आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र से जीत के आए हैं। हमारे मुद्दे अलग थे, हमारी विचारधारा अलग थी, हमारे लोगों ने उस मुद्दे और विचारधारा के आधार पर हमें जीत के भेजा। अब आज की जो स्थिति बन रही है और आगे आपने बताया राज्यसभा चुनाव को लेके, तो हम जीत के आए उस समय भी हमारी विचारधारा के साथ हमने कांग्रेस को समर्थन दिया, राज्यसभा चुनाव में भी वर्तमान सरकार जो कांग्रेस की थी उनको समर्थन दिया, और आज ये स्थिति बनी हुई है। आज कांग्रेस दो खेमों में बैठ चुकी है, वर्तमान जो राज्य सरकार है वो दो खेमों में बैठ चुकी है, दो व्यक्तियों के बीच की जो लड़ाई है। हमारी जो पार्टी हाईकमान का जो निर्देश है और हमारे दो विधायक की जो बात हुई है कि हमें इस लड़ाई में नहीं पड़ना है, हमें किसी व्यक्ति विशेष का सहयोग नहीं करना है, हम विशेष का सहयोग करेंगे वर्तमान में जो सरकार है उस सरकार के साथ है। लेकिन अभी तक जो डिसीजन है, राष्ट्रीय पार्टी का जो डिसीजन आया है, कभी किसी को किसी व्यक्ति विशेष के साथ है किसी के साथ हमें नहीं जाना है, ना बीजेपी के साथ जाना है, ना कांग्रेस के साथ जाना है, दो समान बैठी वहाँ भी नहीं जाना है। राजकुमार जी, पार्टी की ओर से जिस तरह से आप कह रहे हैं व्हिप जारी किया गया है, दोनों जो विधायक है, आप दोनों विधायकों को यहाँ पर व्हिप जारी हुआ है, और उसमें ये कहा गया है कि आप ना तो बीजेपी को समर्थन करेंगे और ना ही आप कांग्रेस को करेंगे, तो अब जिस तरह से आप कह रहे हैं कि क्या कुछ रणनीति आगे राष्ट्रीय नेतृत्व की ओर से बनाई जाएगी, या आप दोनों जो विधायक है वो तय करेंगे कि किस तरह से आगे आपको जाना है? देखो, ये एक तरफा ना तो राष्ट्रीय कार्यकारिणी है वो तय करेगी और ना ही हम तय करेंगे। हमारा जो आज चल रहा है, हमारी मीटिंग होगी, उस मीटिंग में तय होगा कि हमारे जो विचारधारा है हमारे मुद्दों के साथ सहयोग करेंगे, साथ में रहेंगे। जब मॉक पोल की स्थिति बनेगी उस समय की, जो क्योंकि एक दो दिन में क्लियर होने वाला है नहीं, और उन दो राजाओं के बीच में जो लड़ाई चल रही है हम उस लड़ाई में नहीं पड़ना चाहते। कल विधायक दल की जो बैठक हुई थी सीएम हाउस में, उसमें आप दोनों विधायक पहुंचे थे, इस बात की जानकारी मिली, और आज की जो बैठक है उसमें अभी तक आप लोग नहीं पहुंचे, इसका क्या कारण? देखो, कल विधायक दल की बैठक में हम नहीं पहुंचे थे, हम सुबह सीएम साहब से मिले थे, हम कांग्रेस के किसी पदाधिकारी से नहीं मिले थे, ओनली फॉर राजस्थान के जो सीएम है उनसे मिले थे, सीएम साहब से हमारी बात हुई थी, इसके बाद हम निकल गए थे, कांग्रेस की बैठक में नहीं गए थे, और आज भी विधायक दल की जो कांग्रेस की बैठक है उसमें हम नहीं जाएंगे। राजकुमार जी, एक सबसे आखिर में, यदि फ्लोर टेस्ट होता है तो आप क्या कांग्रेस के साथ जाएंगे, अशोक गहलोत खेमे के साथ जाएंगे आप? हमारा अभी बैठक है पार्टी हाईकमान, और हमारे सामाजिक मूवमेंट जो चल रहा है वो सारे लोग मिलकर तय करेंगे, हम दो विधायक तय नहीं करेंगे इस चीज़ का। जी बिल्कुल, तो ये थे 84 विधानसभा क्षेत्र से विधायक राजकुमार जी, जिन्होंने कहा कि भारतीय ट्राइबल पार्टी की ओर से तय किया जाएगा कि आखिर किसे यहाँ पर समर्थन दिया जाए, ये सब चीज़ें अब पार्टी के लेवल पर यहाँ पर तय होगी। अरविंद पालावत, जनतंत्र टीवी, जयपुर।